CA-19.9 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्लड इन्वेस्टिगेशन है और ये कब कराया जाता है? यदि पेशेंट ऑलरेडी एक्यूट पेनकेटाइटिस, क्रॉनिक पेनकेटाइटिस या और भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित है और लग रहा है कि पेशेंट को कैंसर की वजह से तो नहीं ना हो रहा है, पैरेलली कैंसर तो डेवलप नहीं ना हो रहा है, तो इस केस में इसे समझने के लिए CA-19.9 का रिपोर्ट कराया जाता है। इसका नॉर्मल रेंज 37 के नीचे होता है, कुछ केसेस में थोड़ा एलिवेटेड आता है, 50, 60, 70, 100। ये अगर इतना बड़ा है या 200 तक बड़ा है तो बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, कुछ केसेस में ये 500 भी होता है, उससे ज़्यादा भी होता है। हमने हमारे क्लिनिकल लाइफ में 2000, 3000, 5000, 10000, 20000, 50,000 और इवन 1 लाख तक के रिपोर्ट को भी देखा है जहाँ पे CA-19.9 इतना एलिवेटेड होता है। यदि आपके केस में CA-19.9 थोड़ा बहुत बड़ा है तो बहुत बड़ा कंसर्न का विषय नहीं है, लेकिन 1 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ता है, 500+ ये जा रहा है, तो ये डेफिनेटली बहुत कंसर्न का विषय है। इस केस में पेशेंट को पैरेलल कैंसर होने की संभावना हो सकती है और कुछ केस विदाउट कैंसर भी एलिवेटेड करते हैं। तो आइए मैं एक रिपोर्ट को यहाँ शो करता हूँ। पेशेंट का नाम है मिस्टर संजीव जी और ये रिपोर्ट है जुलाई 2022 का। जब इनका ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट देखेंगे, MLS 5,748 है और CA-19.9 5,000 से ज़्यादा है, 5,000+ है। 5,000+ ये मशीन जिससे चेक हुआ है वो 5,000 तक माप सकता है, ये रिपोर्ट में उससे भी ज़्यादा लेवल शो कर रहा है, मतलब ये काफ़ी हाई लेवल शो हो रहा है यहाँ पे। अब भी कोई पेशेंट इस लेवल पे रहता है तो उसको एब्डोमन पेन, वेट लॉस, इनडाइजेशन और डाइजेशन से रिलेटेड अन्य भी समस्याएं देखने को मिलेगी और सस्पेक्टेड रहता है कि हाँ ये नेगेटिव साइड केस जा रहा है। इनका जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो विद द टाइम इनके केस में रिकवरी मिली और ओवर अ पीरियड इनके रिपोर्ट्स अच्छे आते गए और लास्ट में जो हमने रिपोर्ट कराया वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यदि किसी भी केस में CA-19.9 एलिवेटेड है, ज़्यादा है, तो इसको बहुत गंभीरता से लीजिए, इसे बहुत लाइटली इजी वे में मत लीजिए। इसे ठीक करने के लिए आपको एक प्रिसाइज ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, एक राइट मेडिसिन चाहिए जो आपके केस को प्रॉब्लम में से बाहर निकाले और साथ साथ आपके माइंड में ये अवेयरनेस, ये नॉलेज हो कि क्या क्या चीज़ें इसे खाने पीने में या एटमोसफियर से इसको ट्रिगर करती है और बढ़ावा देती है। अगर आपके अंदर ये अवेयरनेस है तो विद द हेल्प ऑफ राइट मेडिसिन आप इसमें से बाहर निकल सकते हैं। संजीव जी का दोबारा जब हमने ब्लड टेस्ट कराया और यहाँ पे ये लास्ट रिपोर्ट है जिसका डेट है मई 2024, और इस रिपोर्ट को देखेंगे CA-19.9 जो शो कर रहा है 6.8, नॉर्मल रेंज होता है 37 के नीचे, और ये केस लगभग 1.5-2 साल के बाद 6.8 पे आ गया। सो 5,000+ CA-19.9 ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर की मेडिसिन से विदाउट एनी सर्जरी अपने नॉर्मल रेंज में आ गया। सो यदि आपके केस में भी CA-19.9 एलिवेटेड है या आपके रिलेटिव, फ्रेंड्स, आप कहीं भी ऑब्जर्व करते हैं, तो इस तरह के केसेस में ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर की मेडिसिन से रिकवर किया जा सकता है, इसे क्योर किया जा सकता है, पेशेंट को वापस से उसकी नॉर्मल लाइफ में लाया जा सकता है। थैंक यू।